गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम देखते हैं ग्रामर में लेसन नंबर 20 कंपोजिशन राइटिंग। इसमें सबसे पहले आज हम देखेंगे नोटिस राइटिंग, कि हमें नोटिस कैसे लिखना है। नोटिस में जैसे कि हमें पता है कि जो पब्लिकली शो की जाती है, एक शॉर्ट फॉर्म में लिखी जाती है, कोई भी इवेंट होने वाला होता है या मानो कुछ चीज़ हमारा गुम गया है या हमें किसी और चीज़ किसी का मिला है, तो हम उसको इन्फॉर्म करने के लिए एक नोटिस लगाते हैं। स्कूल बोर्ड में या आपके कॉलोनी के बोर्ड में लगाई जाती है। जैसे इसमें दिया है कि नोटिस इज अ पब्लिकली डिस्प्लेड रिटन और प्रिंटेड इंफॉर्मेशन ऑफ समथिंग अबाउट टू हैपन और दैट हैज ऑलरेडी हैपेंड। इट इज़ अ इन्फॉर्मेशन दैट इज मेंट फॉर अदर्स टू नो एंड फॉलो। तो इसमें यही बताया जा रहा है कि कुछ चीज हो चुकी है या कुछ चीज होने वाली है, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन देने के लिए सभी के लिए होती है, सभी लोग उसको पढ़ सकते हैं। ये शॉर्ट तौर पे लिखी जाती है। हापन ने हाफिली में भी देखा था कि अपन को उसको लिखना कैसे है, फिर से एक बार देख लेते हैं। देखिए, ये नोटिस का फॉर्मेट होता है, ये एक प्रॉपर बॉक्स के अंदर लिखी जाती है और बॉक्स हमें पेंसिल से बनाना है। सबसे ऊपर हमारा स्कूल का नाम जाएगा या जो भी क्वेश्चन में आपको नेम मेंशन है वो जाएगा, वो भी पूरा कैपिटल लेटर में, ये पूरा कैपिटल में होना चाहिए। इसके बाद हम एक लाइन छोड़ेंगे, फिर उसके बाद बीचों में, बीच बिल्कुल सेंटर में, ये भी चीज़ आपकी सेंटर में ही जाएगी। देखिए यहाँ पर प्रॉपर गैपिंग हो रखी है। फिर इसके बाद लाइन छोड़ेंगे, नोटिस भी हमें पूरा सेंटर पे लिखना है और सब ये चीज़ किस पे होनी चाहिए, कैपिटल लेटर में होनी चाहिए। फिर हम यहाँ पे डेट लिखेंगे कि हम कब लिख रहे हैं उस चीज़ को, और ये डेट हमारी बिल्कुल यहाँ कॉर्नर मार्जिन लाइन से जाएगी। फिर हम नीचे टॉपिक लिखेंगे कि जैसे कोई फंक्शन, जैसे एनुअल स्पोर्ट्स डे या कुछ चीज़ लॉस्ट हो गई है या कोई भी इवेंट जो होने वाला है उसका नाम, हम ये भी कैपिटल से जाएगा। फिर इसके बाद हम फिर से लाइन छोड़ेंगे। अब फिर हमारे यहाँ बॉडी स्टार्ट हो गया, हम यहाँ पे पूरा बॉडी जो भी मैटर लिखना चाह रहे हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल एग्जैक्ट एक्यूरेट होना चाहिए, कब हो रहा है, कहाँ हो रहा है, कितने बजे से होना है, कौन ऑर्गेनाइज करवा रहा है, किसको नाम देना है, तो यहाँ पे हम उस चीज़ मेंशन करेंगे। इसके बाद फिर हम एक लाइन छोड़ेंगे, फिर यहाँ पे हम जो भी वो पर्सन नोटिस लिख रहा है उसका नाम जाएगा। अगर वो कोई पोस्ट में है, सेक्रेटरी है, हेड बॉय है, मॉनिटर है, क्लास टीचर, कुछ भी जो पोस्ट है, प्रिंसिपल है, जो भी है, अगर उनकी पोस्ट, उसका पोस्ट का नाम जाएगा। फिर लास्ट में हम फिर लाइन खींच के इस बॉक्स को कंप्लीट करेंगे। तो ये हमारा नोटिस का फॉर्मेट है, इसी तौर पे नोटिस होने चाहिए और हमेशा कोशिश करना चाहिए कि गलतियां बहुत कम हो, हम ज़्यादा वाइटनर या उससे ज़्यादा मैसी ना बनाएं, और शॉर्ट फॉर्म में जो बोलना चाह रहे हैं वही उतना ही मैसेज कन्वे करें। 50 वर्ड्स से लेकर 100 वर्ड्स के बीच में होना चाहिए, उससे ज़्यादा ये नहीं होना चाहिए। तो चलिए, हमें आज हम सबसे पहला आपका बुक का नोटिस देखेंगे, पेज नंबर 113, फर्स्ट नोटिस। इसे हमें नोटबुक में लिखना है। यू आर कबीर सिंह द सेक्रेटरी ड्रामा क्लब ऑफ न्यू मॉडल स्कूल। देखिए यहाँ पे आपका नाम मेंशन कर दिया, कबीर शर्मा, आपकी पोस्ट मेंशन की गई है सेक्रेटरी, तो आपको यही नाम लिखना पड़ेगा लास्ट में कि आप कबीर शर्मा हो और सेक्रेटरी हो। और ड्रामा क्लब ऑफ न्यू मॉडल स्कूल, और स्कूल का नाम क्या है, न्यू मॉडल स्कूल गाजियाबाद, तो आप स्कूल के नेम में क्या लिखोगे, न्यू मॉडल गाजियाबाद, जो सबसे ऊपर हेडिंग जाएगी। ड्राफ्ट द नोटिस इन्फॉर्मिंग द स्टूडेंट्स अबाउट द इंटर स्टेट ड्रामा कॉम्पिटिशन टू बी हेल्ड एट गांधी हॉल ऑन 10 फेब। यहाँ पे हम 10 फेब मैंशन करेंगे क्योंकि ये डेट 27 तो जा चुकी है। तो यहाँ पे कहाँ पे होने, क्या चीज़ होने वाली है, इंटर स्टेट ड्रामा कॉम्पिटिशन होने वाला है, और कहाँ होने वाला है, गांधी हॉल में होने वाला है। तो चलिए देखिए हम इसको कैसे लिखेंगे। जो बुक में है थोड़ा गलत फॉर्मेट में है, तो आपको इस फॉर्मेट में लिखना है, और यहाँ पे डेट चेंज कर लीजिएगा, यहाँ पे 10 फेब को होने वाला है ये फंक्शन। सबसे पहले पेंसिल से बॉक्स बनाया जाएगा, हम स्कूल का नेम यही मेंशन करेंगे क्योंकि जो हमें क्वेश्चन में दिया जाएगा हम उसी को फॉलो करेंगे। न्यू मॉडल स्कूल कॉमा गाजियाबाद, फिर हम लाइन छोड़ेंगे, नोटिस बीच में आएगा, ये सब चीज़ें बीच में आती हैं, कौन सेंटर में, तो हमने इसको बीच में लिखा है। फिर हम मेंशन कर रहे हैं हम किस दिन लिख रहे हैं, 1 फरवरी 2021, जिस दिन आप लिखोगे उस दिन आप डेट डालोगे, और उसके 5, 6, 10 दिन बाद वो इवेंट होना चाहिए। इंटर स्टेट ड्रामा कॉम्पिटिशन क्या होने वाला है, इंटर स्टेट, ये भी कैपिटल में जाएगा। फिर इसके बाद हम लाइन छोड़ेंगे, फिर लिखेंगे एन इंटर स्टेट ड्रामा कॉम्पिटिशन विल बी हेल्ड एट गांधी हॉल
ऑन वेनसडे 10 फरवरी 2021। क्या होने वाला है? इंटरस्टेट ड्रामा कंपटीशन होने वाला है। कहाँ होने वाला है? गांधी हॉल में। और किस दिन होने वाला है? वेनसडे 10 फरवरी 2021। दोज हु वॉन्ट टू पार्टिसिपेट शुड रिपोर्ट ऑन 3 फरवरी 2021 एट द स्कूल ऑडिटोरियम फॉर सेलेक्शन। जितने लोगों को पार्टिसिपेट करना है, जिसको भी पार्टिसिपेट करना है, वो 3 तारीख तक अपना नाम लिखवा लें और कहाँ पे आके मिले? स्कूल ऑडिटोरियम में फॉर सेलेक्शन। वहाँ पे आपकी सिलेक्शन प्रोसेस होगी, तो आपको वहाँ आना है। फिर लाइन छोड़ेंगे, फिर लास्ट में नेम मेंशन करेंगे। यही नेम मेंशन करेंगे क्योंकि क्वेश्चन में हमें दे रखा था कबीर शर्मा। यहाँ पे लिखेंगे कबीर शर्मा सेक्रेटरी। और पोस्ट क्या थी? आप किसके सेक्रेटरी हो? ड्रामा क्लब के। तो ये ब्रैकेट में जाएगा ड्रामा क्लब। और आप यहाँ से भी लाइन खींच सकते हो या एक लाइन छोड़ के नीचे का, तो ये आपको बॉक्स कवर करना पड़ेगा। देखिए हमारे ऐसे जाएगी नोटिस, क्वेश्चन लिखेंगे और प्रॉपर बॉक्स पेंसिल से बना के, और यही सेम फॉर्मेट जहाँ जहाँ लाइन छोड़ी गई है, स्कूल के बाद लाइन छोड़ेंगे, टॉपिक के बाद लाइन छोड़ेंगे, ये हमारी बॉडी है, उसके बाद लाइन छोड़ के जो लिख रहा है उसकी पोस्ट, ऐसे ही आपको मेंशन करना है। देखिए साइड में भी यहाँ लाइन ड्रॉ है, तो आपको यही फॉर्मेट फॉलो करना है।